अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बटर चिकन। बटर चिकन बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, और इसे हमने 500 ग्राम चिकन लिया था हमने, उसको हमने तंदूरी चिकन मसाला, नमक और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन लगा के इसे 5 से 10 मिनट इसे लगा के रख दिया था। जिस तरह हमने फ्राइड राइस के चिकन को लगाया था, उसी तरह हमने इसे तंदूरी चिकन मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लगा के 10 मिनट रख दिया था। इसे फिर बाद में हम हल्का सा फ्राई कर देंगे। और ये 400 ग्राम टमाटे हमने हाइब्रिड टमाटे लिए थे, जिसे हमने इसको कट्स लगा के इसे बॉईल करा था 5 से 10 मिनट, और उसका छिलका निकाल कर इसकी इस तरह से हमने टमाटे प्योरी बनाया है। इसे एक जार में पीस दिया था इसको। तो ये हमने 400 ग्राम टमाटे की प्योरी लगेंगे हमें, आधा किलो चिकन के हिसाब से, और आधा टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, क्योंकि हमने आधा टेबल स्पून चिकन में भी डाला है। और बटर हमें जितना लगेगा हम उतना लेंगे। और काजू हमने 2 टेबल स्पून लिया है, जिसे हम बाद में बारीक मलाई डाल के इसे पीस लेंगे। और दूध और मलाई हमने आधा कप लिया है, हमें जितनी लगेगी हम उतनी डालेंगे, और फिर बाद में हम ऊपर से और फ्रेश मलाई और डालेंगे। और आधा आधा टेबल स्पून हमने कश्मीरी और तेज़ मिर्ची लिया है, और 1.5 टेबल स्पून हमें धनिया की बुकनी लगेगी, और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ग्रेवी बघारेंगे। हमने बाद में और 2 चीज़ें ली हैं। हमने 1 टेबल स्पून टमाटो केचप लिया है, और थोड़ा सा तंदूरी कलर लगेगा हमें, ये ऑप्शन है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे, 2 टेबल स्पून उतना हमने इसमें तेल डाला है, और थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो हम ये इसमें ये बटर डाल लेंगे। बाकी का हम बघार में डालने वाले हैं ऊपर से थोड़ा सा। और चलिए सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आपको थोड़ी स्लो कर देंगे, फिर धनिया की बुकनी, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर भी डालेंगे हम। नमक और हल्दी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है। ये मिर्ची भी पूरी डाल लेंगे इसमें, इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम फिर टमाटर प्यूरी डालेंगे। ये जो हमने टमाटर प्यूरी रखा था वो डाल देंगे। ग्रेवी को हम 4-5 मिनट पकने देंगे, फिर इसके बाद हमने चिकन को फ्राई करके रख दिया है, फिर उसमें हम चिकन डाल देंगे, इसके बाद टमाटर केचप, फिर फ्रूट्स कलर्ड ऑरेंज जो तंदूरी कलर है वो डालेंगे बाद में। चलिए इसे ढक के हम 4-5 मिनट पकने देंगे। हमने ग्रेवी को 4-5 मिनट पकने दिया था, अब इसमें हमने चिकन डाल दिया है, फिर अब इसमें हम ये जो दूसरे मसाले रखे थे वो डाल देंगे। और ये काजू को हमने मलाई डाल के इसको पीस लिया है, इसे हम फिर थोड़ा बटर से बघार के इसमें तंदूरी कलर मिला के फिर इसमें डालेंगे। टमाटो केचप भी डाल देंगे इसमें हम। ये हमने काजू के पेस्ट में ये हमने थोड़ा सा तंदूरी कलर इसमें मिला दिया था, अब इसे हम थोड़ा बघार के इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसके वजह से तेल उड़ जाता है बटर चिकन का, तो इसलिए हम इसे थोड़ा बघार के डालें तो इसका बटर चिकन का तेल और अच्छे से आता है ग्रेवी पे, नहीं तो फिर ये डालते ही तेल चले जाता है, तो इसलिए चलिए इसे हम बघार लेंगे बटर डाल के। तो हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, और उसमें ये बटर डाल देंगे।
इसलिए इसमें हम ये काजू का पेस्ट डाल देंगे। इस तरह से इस तरह से थोड़ा 2-3 मिनट पकने देंगे, फिर उसके बाद इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। इसमें हम ये जो काजू लगा रहे थे इसमें इस तरह से डाल देंगे, फिर थोड़ा सा हम इसमें और ग्रेवी के लिए थोड़ा सा दूध डाल देंगे हम, बस बिल्कुल 2 टेबलस्पून इतना दूध डाल देंगे। ये मलाई के साथ जो दूध रखा था हमने वो थोड़ा इसमें डाल देंगे और इसे अब और 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। फिर बाद में हम इस पर बटर का तड़का, बटर और थोड़ा सा काजू का तड़का डालेंगे, इसमें स्मोक की खुशबू देंगे धुने की। तो चलिए इसे 5 मिनट तक हमें पकने देंगे। इस पर हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून उतना तेल डाल रहे हैं इस पर। उसके बाद हम इसमें ये जो बटर रखा था ये बटर इसको डाल देंगे। हमने ये थोड़े से 4-5 काजू लिए हैं, ये भी डाल देंगे इसमें। इस पर फिर हम इस तरह से ये मलाई डाल के इसको आगे अब थोड़ी सी इस पे हम ग्रेवी बाद में थोड़ी सी और ग्रेवी डालेंगे काजू पे डाल लेंगे इसको गार्निशिंग के लिए। हमने अब इस पे ग्रेवी डाल ली है थोड़ी सी। अब ये ग्रेवी हम इस पर ये ग्रेवी हम बटर चिकन पे डाल देंगे। लीजिए ये हमारा बटर चिकन तैयार है, इस पर हम थोड़ा सा और ऊपर से बटर डालेंगे। इस तरह से इस पर फ्रेश बटर रख देंगे हम, क्योंकि ये हमारा बटर चिकन है। तो लीजिए बहनों ये हमारा बटर चिकन तैयार है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।